चलिए गाइस, इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ऑटोफाई का ये ब्रांड है और यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्राइस वगैरह सब कुछ लिखा है। यहाँ इसका क्यूआर कोड है स्कैन करने के लिए और यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा है। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आई कि जो उसमें मैंने अमेजोन से मंगवाया तो उसमें लिखा है 30 मंथ्स का और इसमें 1 ईयर की वारंटी का है, तो आई होप वारंटी की ज़रूरत ना ही पड़े। तो इसमें मेरा एड्रेस था वो मैंने हटा दिया है, तो इसको अब अनबॉक्स करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले निकलता है वारंटी कार्ड और यहाँ अपना वारंटी का एक कोड है, इस पे जो लिखा हो आप एक बार पढ़ लेना। और मेन है अपनी ये हेडलाइट का एक यूनिट सिंगल पीस जो इस तरह H4 कनेक्टर के साथ आता है, और इस तरह आप देख सकते हो इस तरह की लाइट है कुछ। इस पे क्या लिखा है, इस पे लिखा है हाई पावर 40 वॉट, लो पावर 20 वॉट। मतलब जो अपना हाई बीम रहेगा वो 40 वॉट का रहेगा इसमें, और जो लो बीम रहेगा वो 20 वॉट का रहेगा। यहाँ पे पीछे एक फैन दिया हुआ है और ये 3 साइड्स LED है। आई गेस ये दो जो ऊपर है ये अपना हाई बीम का होगा और एक ये लो बीम का होगा। तो थोड़ा पास से देख लीजिए, इस तरह का कुछ देखने को मिलता है अपने इस LED में। IP68 वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ की इसकी रेटिंग है। तो ये थी इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग। तो चलो अब इसको अपनी बाइक पे फिट करते हैं। तो चलो गाइस, फाइनली अब हम इनकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए आपको दिखाने के लिए गाइस, मैं अपनी बाइक से ये अपना हेडलाइट का जो बूम होता है ये ले आया हूँ निकाल के, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर आप खुद से इसकी फिटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि शायद ये जो केस है ये नहीं लग पाएगा, रबड़ का रहता है। अगर लगाना चाहते हो आप यहाँ से काट सकते हो, काट के लगेगा। रीजन इसका क्या है कि ये जो आपकी फैन है ये इस तरह से ये इसमें नहीं जाएगा, तो आपकी इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, ओनली तभी ये है लग पाएगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगा इसमें। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे क्लैंप दिया होता है, इसको प्रेस किया इस तरह और इसको प्रेस किया इस तरह, ये पीछे आ जाएगा आपकी लाइट जो है ये बल्ब हैलोजन बल्ब ये इजिली जो है निकल जाएगा। तो अब आपको LED जो ये लाइट है इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आपने निकाला था बल्ब को बस वैसे ही रख दोगे आप इस तरह से, ये आ गया ठीक है। अब तो हो सकता है लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आए, तो इस तरह से पहले हम यहाँ इसको लगा लेंगे ये, और एक ये लग गया और एक ये लग गया। तो गाइज आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली जो है ये फिट इस पे बैठ गया है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये फिटिंग के बाद मैंने इसको भी कुछ जुगाड़ वगैरह लगा के, एनी हाउ कट वट लगा के इस पे बांध दिया है। तो इस तरह से कुछ अंदर से दिख रहा है, आई गेस पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि फ्लैश भी जल रही है। तो मैं घर के अंदर आके ये बना रहा था ताकि आपको अच्छे से इसकी फिटिंग का बता दूं। तो अब इसके बाद करना क्या है कि ये जो अपना H4 का ये सॉकेट जो है इसको जस्ट आपको अपनी बाइक में प्लग इन करना है, तो और इसमें डायरेक्ट चल जाएगा। तो अभी फिटिंग वुटिंग का तो कुछ ज़्यादा आपको दिखाऊंगा नहीं, जस्ट आपको अब शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे इसकी आउटपुट दिखाऊंगा। और एक छोटा सा मैंने क्लिप जो बनाया था वो अपनी हेलोजन बल्ब का भी बनाया था, बाकी मोस्टली लोगों को तो पता ही होगा कि हेलोजन की लाइट कैसी रहती है। तो चलो अब इसको मैं बाइक पे फिट करता हूँ और फिट करने के बाद आपको रात होने पर इसका आउटपुट दिखाऊंगा। तो गाइस ये देखो, अभी इस तरह से मैंने खोल रखी है, और ये है अपना कनेक्टर।
और खोलने का तो चढ़ाने का आपको पता ही होगा, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसको जस्ट लूज़ करोगे तो खुल जाता है। ये है लॉक, और चलो एक बार मैं फिट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, ये मैंने कनेक्टर लगा दिया है, ये अपना कनेक्टर लग गया है, और इस तरह से आपको ऑन करके दिखाता हूँ एक बार। तो ये अपनी लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है, पीछे फैन है, वो फैन भी घूम रहा है अच्छे से। तो एक बार इसको मैं चढ़ा लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने टाइट कर दिया है और कुछ इस तरह से अंदर से लग रही है। तो ये हेडलाइट ऑन करके दिखाता हूँ एक बार आपको। ये और इसका हाई बीम लो बीम, ये हाई बीम, ये लो बीम, हाई बीम लो बीम। तो अब इतना दिन में कुछ पता चलेगा नहीं, तो एक बार आपको रात को चेक करवाऊंगा इसको। तो गाइज अभी शाम के हो रहे हैं 7:15, और आप देख सकते हैं बाइक मेरी स्टार्ट है, और अभी आया हूँ मैं, तो अभी आया हूँ इसकी लाइट की टेस्टिंग के लिए, आपको दिखाने के लिए कि थ्रो कैसा है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना सिर्फ जो पार्किंग लाइट्स है वो ऑन करता हूँ। तो इस तरह से देखिए, सिर्फ पार्किंग लाइट्स हैं, और एक पार्किंग लाइट के साथ साथ मैंने अपने इसमें एलईडी लाइट लगा रखी है अंदर हेडलाइट के साथ, जो छोटा एक बल्ब रहता है पार्किंग लाइट जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले चलो अब मैं ऑन करता हूँ अपनी नई जो ऑटोफाई की एलईडी लाइट मैंने ऑर्डर करी थी, तो अब उसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए गाइस, ये हो चुकी है आगे सुबह, ये है लो बीम और ये हाई बीम, लो बीम हाई बीम। एक बार मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि कैमरा उतना जस्टिस नहीं करता, लेकिन ये डायरेक्ट आंखों में नहीं पड़ रही, वो वही चेक करने के लिए मैं आया था कि हाई बीम डायरेक्ट आंखों में तो नहीं पड़ रही, बट ये आंखों में नहीं पड़ रही है, और थ्रो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे इसकी हाई बीम और लो बीम में उतना डिफरेंस नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, जो पास का जो एरिया है आपका, वो एकदम ब्राइट हो रहा है हाई बीम पे। तो ये था गाइज एक छोटा सा वीडियो इस एलईडी लाइट का। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। हेलोजन, हाई बीम लो बीम, हाई बीम लो बीम, हाई बीम लो बीम। तो ये है हाई बीम, ये है लो बीम, ये हाई बीम, ये लो बीम।